तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैं एक चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। एक कबूतरी जो है भाई, उसने कहीं ना कहीं पर आत्महत्या कर ली है, कहीं ना कहीं दोस्त अपने कबूतर से लड़ने के साथ साथ। तो देख सकते हो भाई, ये तो मजाक के तौर पर था, लेकिन ये कबूतरी जो भाई देख लो जो, ये जो है ये तो भाई ये फिलहाल फांसी पर लटक चुकी है भाई। बड़ी दर्दनाक मौत इसे मिली है। अभी मौत मिली कैसे भाई, मैं आपको बता दूँ। तो ये भैया पतंग उड़ावे बालक, पतंग उड़ाने के साथ साथ मांझा जो छत पर छोड़ दें दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं मांझा जो था भाई, वो कहीं ना कहीं इस कबूतर के लज गया, ध्यान दिया नहीं भाई, और ये कबूतर फिलहाल इस तख्ते में लज मांझा, और इसके गर्दन में जो भाई ये मांझा फिलहाल लज गया, और भैया जी लटक गई कबूतर नीचे, और इसके लग जी फांसी। तो भाई बड़ी दर्दनाक मौत मिली बेचारी को, लेकिन भाई फिलहाल इसको उतारेंगे भाई, अब देखते हैं कैसे कैसे हुआ इसके साथ। तो दोस्तों इसे भैया उतार हैं जी, अब देख लो तड़ा भी ना जा रहा है अंदर। और भाई अंकित बड़ी बुरी तरीके से बेचारी फंस रही है, तो बहुत जोर के साथ करेंगे। देख लो दोस्तों मांझा किस तरीके से लज रहा भाई इसके, हैं यार इसके कैसे कैसे, तो तख्ता है यहाँ, ये तख्ते में मांझा है, कहाँ मांझा इसका, तो भी समझ में आ रहा अंकित। तो इसको थोड़ा सा यहाँ को बैठा दें ऊपर को। तो कबूतरी भाई कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किलों के साथ बेचारे के प्राण निकलवाएंगे जिसके, इसको बाहर को ले चल रहे जी। है भैया रिल जी कहाँ है यू। तो दोस्तों देख लो भैया गर्दन में भैया इसके मांझा, मैं बेचारे के साथ ऐसा ना हो किसी के साथ भी। कबूतरी देख लो भैया बड़ा बुरा मांझा लज गया भाई, यार ध्योबा देखिए अंकित ऊपर तकड़ी फांसी लगी भैया इसे। तो चलो बाहर को ले चलो। देख लो जी दोस्तों यूरी कबूतरी बड़ी सोनी कबूतरी थी, चीनी कल दू मैं, लेकिन क्या करे मैं कैसे कैसे निकलू। जा सबसे जोर की तो जल्दी देख लो जी कबूतरी दोस्तों बेचारी चलेगी परलोक सिदार की। यहाँ लग रहा जी इसके मांझा, देखो गर्दन में कितना बुरी तरीके से फंस रहा वह हकीकत में, देखिए कितनी तकड़ी लग रही है दोस्तों। यहाँ से फांसी लगी जी बेचारी के, कैडी लज गई मांझे में, तने भी ध्यान नहीं दिया इतना सारा मांझे लज रहा था इसके। मुझे क्या पता, सांस ठीक बंद करके गया यार।